आप सब भाई बहनों को जय जोहार, जय आदिवासी। थोड़ा पीछे जो भाई हैं थोड़ा आगे आके बैठ जाएं, थोड़ा अच्छा होगा। सिटी होले जल्दी आवी जासो। आखो दाड़ो कैमरा बंद ने पड़ा है। साथियों, अभी सुबह से आप लोग यहाँ पर हमारे साथी भाई बहनों के उद्बोधन सुन रहे हैं। कुछ बातें आप लोगों को नई लगी होगी और कुछ बातें पहले भी आप लोगों ने सुनी होगी। हम लोग बार बार कुछ बातें आपके बीच में बता रहे हैं, समझाने का कोशिश करते हैं और समाज में जागरूकता ला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस इलाके में पहले भी कार्यक्रम हुए लेकिन संभवतः पहली बार आधी जनसंख्या हमारी यहाँ की आज महिलाओं की है। यह अपने आप में बड़ी बात है, महिलाएं ज्यादा हैं। दोस्तों, समाज में जागृति लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए हमारे परिवार का सबसे पहले अध्ययन करने की जरूरत है। समाज में परिवर्तन लाना है लेकिन सबसे पहले अपने खुद के परिवार का अध्ययन करने की जरूरत है। यदि हम अध्ययन करते हैं तो आज हमारे सामने क्या दिखता है? पिता है वह घर से बाहर है, माँ है घर पे रहती है और बच्चे हैं स्कूल आते हैं। ये हो रहा है। अपनी बोली में ही बोले ऐसा भाई कह रहे हैं तो अपने जी पिताजी ही या भाई है वो बाहर मजदूरी के लिए जाता है, माँ घर पे रहती है और बच्चे स्कूल आते हैं। नीति आज है। अमी नाना था तारे हमारा परिवार में, दादा भी हाथी रहता था, दादी भी हाथी रहता था, काका बाबा हाथी रहता था, आई बाप वो भी साथ में रहती थी। यानी आपने दादा थकी लगावी ने सोरत तक न पूरा परिवार एक मुट्ठी मतो। ये बात सही है गलत है? ये बात सही है गलत है? सही बात है। आप लोग भी इस बात को जानते हैं जो मेरी उम्र के। आज क्या हो गया? हम परिवार का ही अध्ययन करें आज तो क्या हो रहा है? पति पत्नी और बच्चे, इसके अलावा कोई नहीं, अलग हो गए। इससे क्या हुआ? आप लोगों ने देखा होगा, चाहे बच्चा मेरा हो चाहे आपका हो, मेरा अभी तक का ये मानना है, जानना है और देखा है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, यदि हमारा बच्चा है वह पढ़ाई में कम ध्यान दे रहा है या कुछ और गलत काम भी कर रहा है, नशा भी कर रहा है, तो हम बच्चे को कह नहीं पाते क्योंकि बच्चा हमारा है। और कई बार तो आज हम लोग के बच्चे इतने बड़े हो गए, हमको पता पड़ा कि कोई भी अपना बच्चा कितनी भी उम्र का हो जाए पर वो बच्चा है, वह अभी भी छोटा है, ऐसा माँ बाप मानते। और बच्चे की जो कमियां खामियां होती है उस पर पर्दा डालते हैं। ये बात हमारे समाज में होती है। तो माता पिता और बच्चे तीन ही परिवार में रहने की वजह से हम लोग हमारे बच्चों को, जो परिवार संयुक्त परिवार था, जब दादा दादी साथ में थे, काका बाबा साथ में थे और सब मिलकर रहते थे, तब जिस तरीके से बच्चा शिक्षित होता था वैसा आज शिक्षित नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या है।
ये आप लोग नोटिस करिए और इसका अध्ययन करिए। एक बड़ी समस्या ये, जब हम छोटे थे तब हम कोई भी गलती करते थे तो हमारे काका बाबा हमको रोकते थे, दादा दादी रोकते थे, यहां तक कि गांव का जो कोई भी बड़ा आदमी होगा, चाहे गमेती होगा, चाहे कोई भी होगा, कोटवाल होगा, मेट होगा, वो भी रोकता था गांव का। अपने गोत्र का तो छोड़, दूसरे गोत्र का भी होगा तो भी गलत काम करने पर रोकता था। आज काका बाबा भी बच्चे को रोकते नहीं है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हम लोग जब छोटे थे तब हमको यह भी शिक्षा दी जाती थी कि अपने गोत्र का बच्चा बच्ची है वह अपना भाई बहन होगा, यह भी हमको शिक्षा दी जाती थी। ये तीन बड़ी बातें मैंने आपको बताई, उसके साथ एक चौथी बात आपको कहना चाहता हूं। आज हम परिवार का अध्ययन करते हैं तो पहले पिता घर पे रहता था, आज पिता रहता है बाहर, मां घर पे रहती है और बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन एक गंभीर बात, पहले हम स्कूल जाते थे सारा दिन पढ़ाई होती थी, आठों आठ घंटे की क्लास लगती थी और वापस आके हम लोग या तो पशु चराने जाते थे या खेती बाड़ी में साथ देते थे या अपना होमवर्क करते थे, प्रश्न याद करते थे। आज आप लोग देख लीजिए, बच्चा स्कूल जाता है तो क्या वह स्कूल में पढ़ता है, इसका भी आप अध्ययन करिए। या फिर बच्चा स्कूल से बाहर है, इसका भी आप अध्ययन करिए, तो आपको बहुत गंभीर समस्या नजर आएगी। बच्चा घर आने के बाद आठवीं क्लास तक पढ़ा हुआ बच्चा भी पशु को पालने के लिए तैयार नहीं है, खेती बाड़ी करने के लिए तैयार नहीं, आठवीं पास, इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी तो भी करने के लिए तैयार नहीं। जबकि पहले हम छोटे थे, आठवीं में पढ़े चाहे दसवीं पढ़ते थे, स्कूल से आने के बाद खेती बाड़ी करने के लिए हम तैयार थे, पशुपालन में सहयोग करने के लिए हम तैयार थे। आज की तारीख में बच्चे को मात्र और मात्र मोबाइल चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। चाहे वो आठवीं तक पढ़ा, इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं, पशुपालन से कोई मतलब नहीं, काका बाबा से कोई मतलब नहीं। और तो और हमारा अनुभव है, 24-25 साल हमने नौकरी किया, हमारा अनुभव है आज की तारीख में बच्चा है वह शिक्षक की भी बात नहीं मान रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई। हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे शिक्षक, एक ही स्कूल में एक ही मास्टर हमारे क्वालिटी का होगा तो 100, 200, 500 बच्चों को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर लेते हम लोग। लेकिन उस क्वालिटी का शिक्षक नहीं है तो बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते। आज हालात यह है कि 20 बच्चे एक क्लास में हैं तो उसको शिक्षक कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक परिवार में तीन बच्चे हैं, माता पिता दोनों मिलकर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये भारी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई। और जैसे चंदू भाई बता रहे थे केस के बारे में, ये सभी इसी की उपज है। आज हम लोगों ने देखा, पिछले साल हमने एक अखबार में पढ़ा था, एक बच्चे ने बर्थडे मनाने के लिए, बर्थडे जानो, बर्थडे बर्थडे जलम तारीख, जलम तारीख मना पा बल्ले, पैसा मांग जा सोरे मां से और मां नहीं दे पाई तो मां को पीट दिया। ये हमारे, हम छोटे थे तब क्या हम हमारे मां बाप के सामने हाथ उठाते थे? नहीं उठाते थे। ये क्यों हुआ इसका अध्ययन करिए। हजारों साल से हमने कभी भी हमारे मां बाप को अंगुली नहीं अड़ाई, हाथ नहीं उठाया हमने, आज ये क्यों हो रहा है? एक और बात, पहले मैंने बता चुका हूं, हमारे गोत्र के बच्चे, मैं मान लो परमार हूं
परमार गोत्र का बच्चा, चाहे वो किसी भी गांव का हो, दूसरे जिले का भी हो, भाई बहन होते थे। आज ऐसा इसमें भी बहुत सारा विखंडन हो गया। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे जिद करते हैं कि नहीं, हमारी शादी होनी चाहिए, और इसी में बहुत सारे बच्चे फांसी खा रहे हैं। क्या ये मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अधिकांश बच्चों के आपका फांसी खाने का बड़ा कारण एक ये बन गया है, गांव गांव के बच्चे दोस्त हो गए, गोत्र गोत्र के बच्चे दोस्त हो गए। हमने ये बच्चों को नहीं सिखाया, ये न तो समाज ने सिखाया, न मां बाप ने सिखाया, न शिक्षक ने सिखाया। इस वजह से आज हमारी युवा पीढ़ी आठवीं नौवीं दसवीं बारहवीं ये जो क्लास है, इसमें बच्चे का भावी जिंदगी की नींव खड़ी होती है, उसी टाइम बच्चे फांसी खा रहे। ये पहले कभी नहीं देखा हमने, आदिवासी बच्चे आदिवासी लोग कभी फांसी नहीं खाते थे, आज बच्चा बच्ची साथ में फांसी खा रहे। ये हमारी समाज व्यवस्था टूटने की वजह से हुआ है, जैसा चंदू भाई बता रहे थे। एक बड़ी समस्या, पहले पूरा साल पढ़ाई होता था, पूरा साल बच्चा स्कूल जाता था, आज आप लोग अभी परीक्षा चल रही है, अभी वर्तमान में, कल भी परीक्षा है, कल थी, आज स्कूल में जाओगे तो सभी बच्चे स्कूल में मौजूद मिलेंगे, सभी, क्योंकि परीक्षा है, परीक्षा है इसलिए सभी बच्चे स्कूल में हैं। लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म हो जाएगी और वापस स्कूल चालू होगी जनवरी में, उस समय स्कूल के अंदर कितना प्रतिशत बच्चे आते हैं? 200 बच्चे स्कूल में हैं, कितने बच्चे स्कूल में आते हैं ईमानदारी से बताइए है? अब हमने दिवाली के बाद विवाह करना शुरू किया, और विवाह में भी डीजे 10-10 किलोमीटर के रेडियस में आवाज सुनाई दे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसके अलावा पढ़ाई पिछले 10-15 साल में हो ही नहीं रही है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। और उसी दिन में आपने देखा होगा हर सोते दाड़े हर पांचवे दाड़े काटना, हर सोते दाड़े हर पांचवे दाड़े एकांड त्योहार, और इसमें हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे। जितने बच्चे स्कूल आते हैं उससे आगे बच्चे तो वहां वार्ता सुनने जा रहे, कथाएं सुनने जा रहे, व्रत कर रहे। अब बताओ हमारी पढ़ाई का क्या हुआ, बोलो। सब बातें बाद में, अब बताओ जब मैं पढ़ता था तब तीसरी का बच्चा पाठ पढ़ना जानता था, जब मैं पढ़ता था तब तीसरी का बच्चा पाठ पढ़ना जानता था, आज आठवीं का बच्चा पाठ नहीं पढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? आज दसवीं का बच्चा जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं जानता, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं जानता दसवीं का बच्चा, उसका कारण क्या है? यह पता करिए तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा वो हमारा परिवार संयुक्त परिवार था, वो टूटा, इसकी वजह से यह समस्या खड़ी हुई है। और पति पत्नी और बच्चा ही एक परिवार में रहते हैं, और उस बच्चे को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, काका बाबा कंट्रोल नहीं कर रहे, यह दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है नवंबर से लगा करके मार्च तक विवाह, और चौथा कारण है जुलाई से लगा करके नवंबर तक के व्रत उपवास,
ये चार कारण ने हमारे समाज की पढ़ाई बर्बाद कर दी। इसके अलावा आपको कोई कारण नहीं नजर आएगा, और यदि इसके अलावा भी नजर आएगा तो अपने समाज में एक परंपरा है हुडेल। हुडेल जाने ना अपने कौन कौन जानो नव नव सुरो पुराना तक मार रखा था खंजोड़ सब जानी नव सुर नव आठवीं नौवी बने हुडेल हो क्या है मूल्यू होडेल एटले तो मारा रूपाव ने मोतारे रूपाव बराबर है तो मारे लीधवा आपने मोतारे लीधवा बराबर है हाडो किनो भी घेर बने मफत मजूरी मफत हड़ो मन सड़ापो वे ते थापड़ा बनापा ते ने घेर गुटवो ते ने डाडा गुटवाए ते ने कोई भी काम है मोपत पूरा गांव मदद करता था। यदि आज हम लोग होडेल वाली तो सुड़ी दो होडेल वाली तो सुड़ी दो लेकिन पैसा दे के मजदूरी करने के लिए भी बुलाएंगे तो पैसे के अलावा एक चीज और की जरूरत पड़ती है। पैसे के अलावा एक चीज की और जरूरत पड़ती है जो पहले नहीं थी। क्या है ना पड़ी क्या वो ये गणती में नहीं आवे पहले बाकड़ा हलतो बाकड़ा थकी ना शरीर मजबूत था तो आज है पड़ी का गुटका सही है लेदा बुवेते रूपा बुवेते गैर नो काम करवाते हर काम मल्ले गुटको जरूरी है और ये गणती में नहीं आवे ये मोपत तते काम थाएगा नहीं ते काम नहीं थाएगा। इसलिए एक बार देवलपाल काटे में मैंने कहा था कि हमारे लोग जीवा है वो तो खाता नहीं जल्दी मरी जाए वो बाजार खाई जल्दी मरी जाए ये वो बाजार खाई ऐसा मैंने बोल दिया था। कई लोगों ने काटो पड़ी गई। फिर दूसरे काटे में मैंने यहां तक बोला कि ड्रम राखो हाथे आराम भरो ने बूढ़ी ने जेम मर्जी आवे या फिर हैता लावो दड़ी ने रोटा बढ़ावी खो यहां तक कि मैंने बोल दिया। अरे ये जो समाज की समस्याएं हैं समाज के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है उस पर आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब सच बोल रहे हैं उस पर भी तुम लोग विरोध करते हो तो गुस्सा आना लाजिमी है। जब हमारी शादी हुई थी या फिर हमारी हम छोटे थे तब हम देखते हैं हमारी माएं हमारी भाभियां उनका जो शादी हुआ था उनका वजन 60 के आसपास जरूर था 60 किलो के आसपास। और आज हमारी बहन बेटियां शादी कर रही है उनका वजन कितना है सोचो मेरे भाइयों। ये बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये हम लोग छोटे थे तब ये बिछीवाड़ा का बेल्ट में 8वीं क्लास की बच्ची भी 50 किलो के आसपास थी सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। हमारे इलाके में बच्चियां कमजोर थी हमारे भी सुराता डोल कुंजला में तो इतना ही वजन हुआ करता था। मांडो आसपुर इधर थोड़ा वजन कम था लेकिन यह जो पट्टी है बिछीवड़ा की उसमें बच्चे बच्चियां खेलने आते थे
हम पढ़ रहे थे तब उनका 60 किलो के आसपास 50 किलो के आसपास तो वजन हुआ करता था। 12वीं क्लास का बच्चा फुटबॉल को किक मारता था तो पेड़ की छोटी छोटी डालियां टूट जाती थी, इतना पावर हुआ करता था। आज क्या शादी योग्य बच्चा 12वीं तक ही आता है। आज सोच लीजिए, कई स्कूलों में हालात ये है कि प्रार्थना करने के लिए बच्चों को खड़ा रखते तो प्रार्थना करते करते भी बच्चों को चक्कर आ जाता है। और अभी अमेरिका का रिसर्च पेपर आया, उसमें आया है कि इंसान समय से ज्यादा भूखा रहता है। ध्यान रखिए, समय से ज्यादा भूखा रहता है तो उसमें कमजोरी आएगी, उसमें खून की कमी होगी, उसकी उम्र में कमी होगी। ये और हमारे तो ये हालत है, लगातार 15 दाड़ तक खवास निकल, 15 दाड़ तक जटला दाड़ा 91 लामो साले वगद कर खा दे अटला भगवान जल्दी पाहे आवे। अब दुनिया का रिसर्च पेपर क्या कह रहा है, दुनिया का रिसर्च पेपर यह कह रहा है कि जितना ज्यादा समय तक तुम भूखे रहोगे उतना तुम्हारी खून की कमी होगी, उतना तुम्हारा शरीर कमजोर होगा और उतनी तुम्हारी आयु कम होगी। अभी सभी लोगों को कहो कि तुम कितना साल जिंदा रहना चाहते हो तो सभी लोग कहेंगे हो वर्त जिब्बानी इच्छा है से कटलावर होवर और खवा के वो खाए पसावर में मरी जाए वो, पर पूछो तो कहेगा होवर और मरवा बाद एक फरो फेर जलम मर दू तो ठीक। सब भक्तनी तो इस इच्छा है अना जलम में तो मारे कई कल्याण नहीं था जू, मारे सोर ने कहीं था जू, मार सोरन सोरन ने कहीं था जू, मार गेरवाली ने कहीं था जू, पर आवता जलम में जरूर था इतनी भक्ति करवी पड़े में। एम ऐसा भक्तों की इच्छा है, मैं उस इच्छा का सम्मान करता हूं, लेकिन लेकिन एक सवाल खड़ा कर रहा हूं बड़ा सा। आज जो जिन बच्चों के मां बाप जो बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ रहे उनके परिवार में थोड़ा सा आप अध्ययन करो, जिन बच्चों के मां बाप 8वीं जो बच्चे 8वीं में पढ़ रहे उनके मां बाप का अध्ययन करो तो आपको एक बहुत गंभीर समस्या 90% लोगों में नजर आएगी। आदमी ने गैरवाली माते विश्वास नहीं है, गैरवाली ने आदमी माते विश्वास नहीं, सही है गलत है, यह बहुत बड़ी समस्या है, यह बहुत बड़ी समस्या है। पहले ऐसा नहीं था, ऐसी समस्या की वजह से परसों ही ये बात मेरे को परसों ही समझ में आई, पहले भी आती थी लेकिन और परसों अच्छे तरीके समझ में आई। हमें गोढ़ाला में क्या था, मेरा ही भतीजा है, कोई दूर की बात नहीं, मेरा ही भतीजा। अब हमारे घर में भी क्या होता, हम बाहर देखने के चक्कर में कभी पता नहीं पड़ता है, तो वो मेरे को पूछे वगैरह चले गए वडालू करवा, तो वहां सासू मां ने उसको पीट दिया। सूर्य आज तो कुटास करी के पीट दिया। फिर मेरे पास फोन आया गेम एम था जू, फिर मैं गया वहां, जाने पर जो बात हमको समझ में आई तब ये बात मेरे को क्लियर हुआ कि जब बच्चे को पढ़ाने की उम्र होती है, मां बाप ध्यान रखिए मेरी जिंदगी इसी काम के लिए खर्च हो रही है, मैं आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं जब मां बाप को बच्चों को पढ़ाने की उम्र थी, किसकी उम्र थी, मां बाप की, बच्चों को पढ़ाने की उम्र थी और आपने घेर असल बढ़ापा की उम्र थी, घेर असल बढ़ापा की उम्र थी, असल खाटला घेर में करवानी जरूरत थी, असल गुदड़े करवानी जरूरत थी, असल कुर्सियां लापानी जरूरत थी, असल खेतर बढ़ापानी जरूरत थी, तई वर्ण बे हामता में लड़ना एक बीजा माते अविश्वास करी। उसका परिणाम क्या आया,
उसका परिणाम यह आया, न घर बना पाए, न खेत बना पाए, न बच्चों को पढ़ा पाए। और पसे गड़त हवा बाद विचार करें कि अड़ी उम्र में तो कई था जो नहीं, अड़ा जमारा में तो मैं सफल नहीं था जा, पर फिर एक फ्रॉम मरतो तो ठीक रहती। पहला मसल कर है ये वक्त तमन है तन मार पूछो जटला नहीं बैठा उठला है ना, क्या पासु जलम मल है कुबा तो जिने विश्वास है कि मारो पासु जलम था है ई मनक उबू थो केने केनो पासु जलम था है गाणी धरती माते उबा था वेकन इने मार सवाल करबो है आपड़े हेतनो जलम ने थाएगा जाओ मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं होगा गारंटी है। तो हमारे दादा को सोचना चाहिए था, हमारी दादी को सोचना चाहिए था कि मार सोरन ने असल काम हो था है। मार सोरन सोरन काम असल हो था है। तई वण दादोन दादी हूं विचार करे मालिक ने गैर स्वर्ग मले तो ठीक ई और काट में कहीं असल जगह मल जे। अरे अणी उम्र में था तमे कई करी थी सच्चा ने मारी के मरेगा मारी तो खाड़ा मत जागू है कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरी बेटियों मेरे बेटों मेरे नौजवान भाइयों बहनों सबसे मैं कहना चाहता हूं ये जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगाओ, अपनी पत्नी के लिए लगाओ, अपने माँ बाप के लिए लगाओ, अपने बच्चों के लिए लगाओ और अपने बच्चों के लिए लगाओ, ये मैं कहना चाहता हूं। क्या आप सभी इस बात से सहमत हो? तो तमने बे बातें छोड़नी पड़ेगी, छोड़ है ती बात मानवा तैयार है पर छोड़वा बल्ले तैयार नहीं, एम लोगों की मान्यता। बे बातें छोड़नी पड़ेगी, यदि मारी बात मानो ते बे बातें छोड़नी पड़ेगी। क्या आप मानवा बल्ले तैयार हो? सही है हुआ सही ज्यादा रही आ सके दारू नहीं पी टेबल ले कहेंगे जे मेला है यार नो विचार है मानवा तैयार में माय फरिंग सुबह कौन कौन बैठा है। अब मैं समाज में तभी बोलूंगा जब होगन खबड़ाऊंगा, वरना नहीं बोलूंगा। भले पांच तक पांच मनक, अब मैं छोड़ने के मूड में नहीं हूं, ठीक है। बेस्ट चीज छोड़ दी, तीसरी कोई चीज नहीं छोड़ दी। आदमी तो हरो छोड़ हुआ है ने महिला ने अंधविश्वास छोड़ हुआ है। अंधविश्वास एटले आपड़ो शरीर कमजोर था है। आपने सोरा ने भणाई रोकाई जाए एवं एकांड नहीं करवे बराबर है। बीजू कई सोड़ा पानी चाहता करो आ दोस्तों अहम लाभो ठीक है होगन खावाई ये पहले सोरे हुआ करो सोरे हुआ करो सोरे नाने मो आज मारे स्कूल में भी आए मेरी स्कूल में भी बच्चों को मैंने शपथ दिलाई है। हाँ मेरे स्कूल के बच्चों को भी शपथ दिलाई मैंने और मैं अब छोड़ने के मूड में नहीं हूँ। या तो मेरे को मत बुलाओ तब अलावा करो या फिर तुमको शपथ लेनी पड़ेगी। दो ही बातें हैं। हाँ मैं भवरलाल परमार एम कहूंगा तुम्हें तमार नाम बोलवो ठीक है। मैं भवरलाल परमार सूर्य चंद्रमा तारे धरती
धरती आसमान अन्न पानी हवामान हजारों पूर्वज हमारी आजे हमारा बाप हमारे हाथी जीवी रह जा सब मनकना साक्षी माने ने आप प्रतिज्ञा करो के आबा वाली पीढ़ी बल्ले अर्थात हमारे बड़वा वाला सोरा बल्ले सूरजी बल्ले सोरा बल्ले हमें जी माँ बाप हां आज बाद अंग्रेजी हरो नहीं पियंगा हमारे मऊड़ा वालों हरो है इन्हें पूजा में वापरंगा पर पीवानी कोशिश नहीं करंगा और हमें आजी बहू की बाप जी जेना सोरा स्कूल में भरे ई हमारा शरीर कमजोर था ये वो कोई एकांडो उपवास व्रत पाखंड अंधविश्वास नहीं करूंगा ने अपना सोर ने करवा दियंगा यदि आप बात नो अभी पालन नहीं की दो हमें पालन नहीं की दो तो हमें हमारा आई बाप ना सोरा ने हमारो खुद वटलाई लुए धन्यवाद जोहार देखिए ये बात मैंने मेरी मर्जी से नहीं बोली है ये बात मैंने मेरी मर्जी से नहीं बोली है संत मावजी महाराज ने भी वही बात कही थी संत सुरमाल खराड़ी महाराज ने भी वही बात कही थी गोविंद गुरु महाराज ने भी वही बात कही थी हमारे मेट कोटवाल भगत भी वही बात कह रहे और आदिवासी परिवार उसी बात को आधार मान करके आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बात कही है तो आप लोग इसका पालन करेंगे हमारे समाज में कोई एक मरीज आए तो इन्हें 11 नो 91 करे सही है गलत है ई करी सको 11 नो 91 नो कोई मनाई नहीं फिर 20 पोने 20 એટલે દૂસને 20 એટલે દૂસને અમાવાસ 20 પોનેમ નો ભી 91 આપણે બાપ દાદા કરતા હતા અને તણ 91 છોડીને બીજું કોઈ 91 ને કરવાનો એ કહેવા ચાહું તો ક્યાં ભવરલાલજી ગુટકા ખાવાની આઝાદી હે એમ તમાર દિમાગ મે આવે કેમ કે ઈ મય એના વેસે ને ગાલી ठीक है ये नावे स्नेहल जी तो आज गैरजाई एक विमल ने पड़ी की लाभ जो ने एक हुई या आलपी नाम गाल दी जो पसे वेलू जुजो सुबह देखना लाल शर्ट ने गली जाए होई गली जाए अब सोच लो ई अणा अर्धा मिजाई ने हूं था तो हूं अटले आ गाया ही सोरा जवान सोरा ने सोटी गया थूकना पड़ता है बार बार आ आई कहीं गड़ दी गई जवान सोरा गड़ दी गई ये गाल है वो पिचक जाते हैं यो दब जाते हैं बार बार खाने से कोशिकाएं मर जाती हैं कोशिकाओं के अंदर पानी होता है वो निकल जाता है और आप जो थूकते हो जो मुंह में लार बनती है वो लार तुम्हारा भोजन पचाने के लिए जरूरी होती है पेट में जो भोजन खाते हो वो पचाने के लिए लार जरूरी है वो लार भी गुटके के माध्यम से बाहर निकल जाती है थूक बाहर निकल जाता है
ये कोशिका है उनमें पानी बाहर आ जाता है, इसी वजह से तुम्हारा वजन कम है। मैं मेरी क्लास में आने से पहले बच्चों को 5-6 साल से ये करता हूं, सबसे पहले बच्चों को पूछता हूं, सोरन सोरजिन सबने, चाहे छठी में जाओ, सातवीं में जाओ, आठवीं में जाओ, नौवीं में जाओ, दसवीं में जाओ, किसी में भी जाओ, क्लास में और प्रार्थना में भी बोलूं, तो मैं बच्चों को एक सवाल एक सप्ताह में बार बार पूछता हूं। क्या पूछता हूं? कटला रोटा खाता है, ऐसा सवाल पूछता हूं। कटला रोटा खाता है पूछू, तो जो बच्चे मेरी आदत जानते हैं इतने कई दे तोड़ खादा है। कटला खादो एक है नहीं, ध्यान रख दो। जो बच्चे मारसा मोरी हो कहवा चाहे, ई जण सोरन खबर पड़ी गयो, ई सोरो कटला खादा एम कई, कटला खादा एम को तो तोड़ खादा है। अब आज ने दाड़ा में सोरन तोड़ खावानी कैपेसिटी नहीं रह जी आपने जाना, पर बच्चे क्या बोलते हैं तण खा दे, जबकि वो खाना खा के ही नहीं आए स्कूल। ये ऐसा क्यों बोलता हूं थोड़ा आप समझ रहे हैं इस बात को? ऐसा बच्चों को बार बार याद दिलाता हूं, फिर धीरे 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 बच्चे हैं वो खाना खा के घर आते। माता पिता क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद बच्चे को 10 रुपया पकड़ा देते हैं और फिर वो अपने काम में लग जाते हैं, फिर रोजगार गारंटी में ये इधर उधर काम पे चले जाते हैं, और वो बच्चा 10 रुपये में उसी 10 रुपये से वो आपका दुकान पर मिलने वाले पाउच खाता है, नूडल्स नूडल्स कुरकुरे फुरकुरे। और आपको एक बात तो समझ में आई होगी, अंग्रेजी दारू पीने वाले जानते हैं कि एक बार अंग्रेजी दारू आपने पिया, अंग्रेजी दारू आपको छोड़ेगा नहीं, वो जिंदगी भर पीना पड़ेगा। मैं ये पी दो एटले कहूं, पर मैं छोड़ी दी दो टाइम मत है, विवाह था जा पहलो पी दो, विवाह था जा पहलो बन बराबर। गुटका मैंने भी खाया पर छोड़ दिया, गुटका भी एक बार खाओगे जिंदगी भर खाना पड़ेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। तंबाकू मैंने भी खाई पर छोड़ दी, तंबाकू एक बार खाओगे जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। बीड़ी भी ऐसा ही होता है बराबर है। अब सवाल है कि वो कुरकुरे भी आप एक बार खाना शुरू करते हो तो वो भी आपको छोड़ते नहीं है, उसका कारण क्या है? क्या कारण है? जो लोगों का पेट खराब हो जाता है, कब्जी हो जाती है, तो वो लोग कायम चूर्ण लेते हैं, और एक बार कायम चूर्ण लिया फिर दोबारा कायम चूर्ण नहीं लिया उसका पेट कभी साफ नहीं होगा। तुम बीमार हुए, एक बार बोतल चढ़ाया, फिर तुम्हारा दोबारा वो बोतल नहीं चढ़ाया, आप कभी ठीक नहीं होंगे, उसका कारण क्या? इन सभी के अंदर ऐसी चीजें मिलाई जाती है कि आपको वो ही खाने पर ठीक हो गई, इसलिए आप गुटखा छोड़ नहीं पाते हो, इसलिए आप वो बोतल छोड़ नहीं पाते हो दवाई वाली, और वो खंबे वाली बोतल भी नहीं छोड़ पाते हो। ये कुरकुरे के अंदर भी ऐसा होता है। खेरवाड़ा के अंदर एक होटल है जहां चाय लोग पीने जाते हैं, भाग्योदय, वहां चाय पीने जाओगे, एक बार आपने चाय पी लिया तो दूसरी जगह कहीं भी चाय पियोगे आपको संतोष नहीं होगा। तो इवी हो सा बढ़ावे भाई, इनके अंदर नशे वाली ऐसी चीजें मिलाती हैं, ऐसी चीजें मिलाते हैं कि आपको वो नशा नहीं छोड़ता। ये बहुत गंभीर समस्या है। तो तुम्हारा बच्चा मिक्चर मिल मिलने से पहले भूखा रहता है, ये मैं समझा रहा हूं वही बात। मीठे मिल अटले बोपर नु खावा मलवा पेलो, छोरा भूखा रहता है, और फिर क्या करता है? वही पंजाब हरियाणा का गेहूं मीठे मिल में वो बच्चा खाना खाता है, और वो खाद और कीटनाशक
डाला हुआ यूरिया डीएपी उसका डाला हुआ अनाज वो बच्चा खाता है और इसके बाद में आपका वो कुरकुरे आदि खाता है बच्चा और इसी में आपके बच्चे का शरीर नहीं बन पाते। और आपको एक बड़ी बात समझ में आनी चाहिए कि पहले हमारे पूर्वज दाड़ो उत्तम है तपेल खावा खाता क्योंकि सुबह के टाइम में हमारा डाइजेशन हमारा पाचन तंत्र अच्छा काम करता है तो उस समय हम जो भी खाएंगे वो अच्छा पचेगा। शाम को कितना भी अच्छा खाओगे उसका पाचन उतना नहीं होता है। तो मैंने आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें अब की बार बिल्कुल अलग बातें बताई है इसलिए मेरे को 3-4 बातें आप लोगों के बीच में मैं कहना चाहता हूं। आप लोग सुबह बच्चों को खाना खिलाए बगैर चाहे कितना भी काम बाकी हो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे बच्चे हैं। सबसे बड़ी संपत्ति हमारे बच्चे हैं और बच्चे योग्य बन गए तो आपके पास जमीन नहीं है तो भी जमीन आ जाएगी खरीद लेंगे। पैसा नहीं है तो भी बच्चे पैसा कमाने लायक बन जाएंगे इसलिए आप सुबह बच्चों को खाना खिलाए बगैर स्कूल नहीं भेजेंगे नंबर एक। दूसरा बच्चे को डेली स्कूल भेजेंगे और तीसरी बात बच्चा कमजोर हो ऐसा खाना उसको नहीं खिलाएंगे। उसमें गुटके भी आ गए ये कुरकुरे फुरकुरे भी आ गए और बच्चे को मैं कहना चाहता हूं शादी होने से पहले तक बच्चे को एक भी दिन व्रत उपवास मत कराइए ये बात मैं कहना चाहता हूं। यदि ये बातें ये हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित बातें आप लोगों ने आने वाले समय में पालन किया तो मैं सभा सम्मेलन में बोलूंगा अन्यथा मैं ट्रेनिंग दूंगा लिखूंगा आने वाली पीढ़ी के लिए क्योंकि अब मेरा शरीर उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से पहले काम करता था। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग बहुत आगे निकल गया है बहुत आगे। हमारे समाज के सामने जो बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही है उनके उत्तर ढूंढने के लिए बहुत आगे निकल गया और हमारा समाज है वो उसी दलदल से बाहर नहीं निकल रहा है इसलिए मेरे दिमाग में भी बहुत सारी हलचल होती है। तो मैं सोचता हूं ये पीढ़ी उस काम को करने काबिल नहीं है तो आने वाली पीढ़ी के लिए लिखना भी पड़ेगा। आज केंद्र सरकार ने हमारे आदिवासी व्यक्ति के द्वारा ही कॉमन सिविल कोड का बिल अभी लाए हैं। जानते हो कॉमन सिविल कोड के बाद में क्या होगा? कॉमन सिविल कोड के बाद में क्या होगा जानते हो? ये पुलिस का पूरा कानून तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा। पैसा कानून खत्म हो जाएगा। 5वीं अनुसूची खत्म। जल जंगल जमीन आरक्षण का मामला खत्म। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए सब खत्म। तुम्हारे न्याय करवानी जी प्रणाली है कादीरा वढ़ाना खत्म। एट्रोसिटी एक्ट खत्म। और तो और तुम्हारी विवाह पद्धति में तुम लोग ऐसे फेरा लेते हो और तुम्हारो पुजारो कोटवाल मेट पूजा कराई खत्म। तुम्हारा उत्तराधिकार ना कानूनी खत्म। सबके सब जमीन के अधिकार भी खत्म। सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसानों ने 1.5 साल तक धरना दिया तब जाकर के 3 कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लिया। क्या ऐसा आप लोग आंदोलन कर पाओगे? आदिवासियों के द्वारा ऐसा आंदोलन असंभव है क्योंकि आदिवासी को रोज कमाना पड़ता है और रोज खाना पड़ता है। यह हालात हमारे बना दिए इस वजह से इतनी बड़ी समस्या आ रही है। इसलिए आप लोगों से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोगों को पार्टी से ऊपर उठना होगा संगठन से ऊपर उठना होगा जाति धर्म से ऊपर उठना होगा
हम लोगों को दो बड़ी बातों के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी संगठन हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म के लोग हो, लेकिन दो बातों के लिए हम लोगों को अब एक मुट्ठी के रूप में बंधना पड़ेगा, और वो है ईवीएम वोटर मशीन। इससे चुनाव कैंसिल कराने होंगे और बैलेट पेपर से वापस चुनाव कराने होंगे। ये जब तक नहीं होगा तब तक तुम जिस आदमी को जिताना चाहते हो वो हारेगा, और जिसको जिताना नहीं चाहते हो वही जीत के जाएगा। ये बात ध्यान रखो। उस पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है, और जजमेंट में कहा गया कि मशीन के द्वारा, ईवीएम के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसके आधार पे मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात, ये जो कॉमन सिविल कोड यूसीसी आया है उसके खिलाफ कोई भी जाति वाला लड़े, कोई भी धर्म वाला लड़े, कोई भी संगठन वाला लड़े, उसके साथ हम लोगों को लड़ना होगा। ये दो बातें हमको आने वाली पीढ़ी के लिए, ये कल परसों ही इन्होंने अभी आपका बिल राज्यसभा में रखा है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, अपने ही लोगों के द्वारा अपना पैर काटने के लिए रखा है, उसके लिए आप लोग मिलजुल करके काम करेंगे। और अभी सिरोही के अंदर हमारे कार्तिक भाई भील को कुछ लोगों ने मारपीट करके मार दिया, हॉस्पिटल में कुछ दिन बाद मर गई। उस समय आपने देखा होगा आदिवासी और एससी संगठनों ने मिलकर संघर्ष किया, उस संघर्ष में हम कितने सफल हुए ये मायना नहीं रखता, लेकिन दो समाज के लोग गरीब आए ये मायना रखता है। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों ने अब आज के दिन मेरे से बहुत सारी बातें, जो बड़ी बड़ी बातें थी, जो समाज के इतिहास से संबंधित थी, धर्म से संबंधित थी, नैतिक मूल्यों से संबंधित थी, संस्कृति से संबंधित थी, उसके बारे में आज आप लोगों ने कम सुना होगा, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या जरूरी है उसको आगे ज्यादा सुना होगा। उसका कारण भी यही है, ये जो दो बातें, एक तो ईवीएम गुजरात के अंदर बहुत हालत खराब हो गई, बहुत ज्यादा आदिवासियों का सफाया हो गया ऐसा मान लो। कैसे? आदिवासियों ने आदिवासी के द्वारा सिलेक्टेड आदमियों को ही वोट नहीं दिया, और दूसरों के द्वारा, दूसरे समाज के द्वारा सिलेक्टेड लोग थे उनको ही वोट दिया। और मैं आज से घोषणा करता हूं कि आदिवासियों ने गुजरात में एक लड़ाई लड़ी थी, पारतापी लिंक योजना, पारतापी लिंक योजना, और उस इलाके में सारे सारे लोग एक ही पार्टी के जीते हैं, और ये अब हो जाएगा। पहले विरोध किया था, अब ये काम हो जाएगा। अब वो लोग कैसे जीते इस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये आने वाले समय में आपको नजर आएगा। दाहोद के अंदर हमारे आदिवासी भाइयों ने, बच्चों ने, विद्यार्थियों ने हमारे राणा पूजा भील के बोर्ड बनाए थे, टंटिया भील के बोर्ड बनाए, वो भी कल परसों उन्होंने तोड़ दिए। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा हो रहा है। तो यही हालात, जब तक आपकी आवाज उठाने वाला आदमी सत्ता के मंदिरों में नहीं जाएगा, आदिवासी समाज के द्वारा सिलेक्टेड और आदिवासी समाज के मुद्दों पर बोलने वाला आदमी सत्ता के मंदिरों में नहीं जाएगा, अर्थात विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएगा, अब आदिवासियों को खत्म होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए इन बातों का आप ख्याल रखिएगा। बलवाड़ा
अच्छा ये भाई लोग अपने कार्यकर्ता भाई ऐसा कह रहे हैं, हमारे डूंगरपुर में बरंडा राजा थे ऐसा कहते हैं, यार संख्या में कौन कम है, कड़ा गुत्तर वालों कम है बरंडा से, हंसी बात, सबसे कम बरंडा गोत्र के लोग हैं। और उनकी तरफ से एक प्रस्ताव आया है, क्या प्रस्ताव आया है, क्या आपने डूंगर बरंडा आपने जी भील राजा तो भील राजा डूंगर बरंडा एनो शहादत दिवस आपने कार्य ने मनाव जो बीजा सब महापुरुषों ना शहादत दिवस आपने मनाव तो डूंगर भील राजा डूंगर बरंडा नो शहादत दिवस भी आपने मनाव जुजे एम बात आप जी तो क्या है वो करव जुजे तो आते साल पाल बलवाड़ा मस राखा आपने बराबर आज तक की तैयारी करो ठीक है। कौन कौन सहमत हो ठीक है। अब 18 तारीख को अपना कार्यक्रम कहां होने वाला है, लसाड़िया में। अब कोई रविवार खाली नहीं है, हर रविवार कार्यक्रम होगा और बाहर के लोग भी नहीं आएंगे, स्थानीय लोग ही लाना है, बाहर के तो केवल वक्ता आएंगे। ये पहले से उदयपुर से ही तय हो गया पिछले रविवार से ही ठीक है। तो लसाड़िया 18 इसके बाद कहां है, कहां बांसवाड़ा में और इसके बाद उदयपुर में बलुआ 29 जनवरी और इसके बाद में फिर कार्यक्रम अपने इलाके डूंगरपुर में होगा। ये कार्यक्रम फिक्स कर लिए 5 फरवरी को डूंगरपुर जिले में ही कार्यक्रम होगा और उससे पहले बीच में एक कार्यक्रम और है 20 दिसंबर, वो तो हर साल करते हैं हमारे विरसा में, उसमें तो सबको आना है ठीक है भाइयों। तो ये कार्यक्रम आगामी है उसमें भी आप जो वक्ता भाई है जो समझदार भाई है वो भी पधारने का कोशिश करें। इतनी बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय आदिवासी, जय जोहार, जय बिलपुर।